करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अजीज साथियों, मोहतरम उस्तादा और मेरे हमवतन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है मेरी पहचान, अजीम पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरी शान है, मेरी जान है, मेरा ईमान है, मेरी पहचान है पाकिस्तान। ये वतन हमारे लिए अल्लाह का इनाम है, तोहफा कुदरत है। ये हमारा वतन बेशुमार नेमतों से माला माल है, खजीना दौलत है। क्या आपने कभी सोचा है अगर ये मुल्क आज़ाद ना होता तो हम कहाँ होते, किस हाल में होते और क्या कर रहे होते? हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने हमारे बुजुर्गों को इतनी हिम्मत दी और उन्होंने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। पाकिस्तान आज़ादी से पहले हमारी कोई पहचान ना थी, हम गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमें ना मजहबी आज़ादी थी और ना ही माशर्ती आज़ादी थी। अब इस अपनी मट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, अपनी मट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इसका जो हक है अदा तुम भी करो हम भी करें। मेरे हम वतन साथियों, आए कदम से कदम मिलाकर कुरान और सुन्नत के तरीकों को अपना कर आसमान की बुलंदियों पर शाहीन की तरह प्रवास करें, ज़मीन के ज़खायर को मुसख़र करके पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान मेरी शान है, मेरी जान है, मेरा ईमान है, मेरी पहचान है पाकिस्तान। अब कायदे आज़म ना इलामा इकबाल ना हाली, अब कायदे आज़म ना इलामा इकबाल ना हाली, हम इस गुलशन में लग गए हैं मुहाफिज और माली। मेरे हम वतन साथियों, ईमान इत्तेहाद तंजीम के सबक को अपनाने के लिए हमें उठना होगा, आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अभी कुछ नहीं बदला, वही अल्लाह, वही रसूल, वही कुरान। अगर कमी है तो जद्दो ईमान की कमी है। आए अर्ज करें, पाकिस्तान को प्यारा पाकिस्तान बनाएं। मुझे फख्र है कि मेरे अल्लाह ने मुझे इस जमीन पर पैदा किया। अब कर्ज है हम पर मट्टी का, इस मंजिल का, इस धरती का। अब कर्ज है हम पर मट्टी का, इस मंजिल का, इस धरती का। तकदीर करें, तदबीर करें, आओ वतन तमीर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।